समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संजय निषाद पर छोट भैया नेता को लेकर जो बयान दिया था उस पर संजय निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं 18% मुआवजा समुदाय का नेतृत्व कर रहा हूं और हम नाव वाले नहीं चुनाव वाले भी नहीं है और जो निषादों का सम्मान करेगा निषाद समाज उसी के साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आज निषादों का सम्मान कर रही है, निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाति जनगणना को लेकर संजय निषाद ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्हें याद क्यों नहीं आई। इस पूरे मुद्दे पर संवाददाता अविनाश कुमार ने संजय निषाद से खास बातचीत की, क्या कुछ को कहा उन्होंने आइए आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव के छुटभैया वाले नेता के बयान पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और यहां तक कहा कि अखिलेश यादव इस अपने बयान से माफ़ी मांगे। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में एक पैदल मार्च निकाला और विरोध भी जताया। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। संजय निषाद जी, जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, कल उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए उनका बयान कोई माने नहीं रखता। हम 18% मछुआ समाज का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, अभी तो देश का भी प्रदेश का भी देश का होने जा रहा हूँ। अब हम उनके लिए काम करते थे, उसमें कार्यकर्ता पार्टी खड़ा बड़ा करते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर उनके नेता के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये कार्यकर्ताओं के ऊपर है, वो क्या कर रहे हैं, विधायकों के ऊपर है। जिस पार्टी से विधायक बने, जिस नेता के नेतृत्व में है, उनका काम है, वो अपना अपने हिसाब से, उसमें हमको नहीं कहेंगे। हम इतना कहेंगे कि ये वर्ग जो है ये कहना कि नाव वाले हैं, अभी नाव वाले नहीं चुनाव वाले भी हैं। चुनाव में अभी केवल निषाद राज के नहीं, अब चुनाव वाले भी हैं। उसी नाव से भगवान राम पार उतरे थे, उसी नाव पर कभी उसी नाव के सहारे कांग्रेस 70 साल से, उसी नाव के सहारे 30 साल से हाथी साइकिल आते थे, और जैसे नाव का सहारा ख़त्म और देख लो कहाँ है। आज हम उसी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम और निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरह के भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ समुदाय को सम्मान देना शुरू किया। क्या है मैं इस तरीके का वो उनका क्या है, मैं इतने कहूँगा कि जो मछुआ समुदाय का सम्मान देगा वही मछुआ समुदाय के साथ रह पाएगा और भारतीय जनता पार्टी मछुआ समुदाय को सम्मान दे रहे हैं। तरीके से अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना को लेकर सत्र में उठा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं लागू किया, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? जाति जनगणना वो आज बोल रहे हैं, मैं 2013 से बोल रहा हूँ। अब मैं पहला व्यक्ति हूँ जो निषाद राज किले पर संन्यास लिया और संकल्प लिया। 1 फरवरी 2014 से लेकर 10 फरवरी 2014 में DM साहब को धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, जांच कराया। जांच में DM मैंने कहा लेदर मैन सेंसस मैनुअल 1961 को आधार मानकर लेदर मैन वाशरमैन को मिलता तो फिशर मैन का भी जगह। और उन्होंने लिखा शासनादेश उस समय 2014 में 17 फरवरी 2014 को लखनऊ आया था, तब सपा की सरकार थी। मैंने कहा भाई गिनती इसी अनुसार होगी, 1961 में हमारी गिनती मझवार की 70 लाख थी, आज 7,000 कर दिया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी उपजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में हम पहले से शामिल, हम परिभाषित करने का मामला आप शामिल की बात करते हैं, आप इसको ठीक नहीं है। हम लोग परिभाषित होना चाहिए और हमें जारी होना चाहिए मझवार का सर्टिफिकेट। डॉक्टर संजय निषाद जी, इन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तब उनकी सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं किया, लगातार विकास के मुद्दों पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए लगातार ऐसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज़ लखनऊ।